बच्चों, आप छठी कक्षा के छात्र। अब इसके पहले हमने मेले की जानकारी देखी, मेला इस चित्र पाठ की जानकारी देखी। उसकी जानकारी आपने लिखी भी होगी और उसके आधार पर एक एक वाक्य के प्रश्न तैयार करने और उनके उत्तर लिखने, ठीक है। आज हम ऐसे ही शेयर करने वाले हैं। शेयर करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। पहला पाठ है शेयर। देखिए, आप अपने अपनी किताबों में इन चित्रों का निरीक्षण करना है। शेयर इस पाठ में, देखिए शेयर इस पाठ में, चित्र पाठ में एक पहला चित्र दिया है बस स्टैंड का, दूसरा बंदरगाह का और तीसरा हवाई अड्डे का और चौथा रेल स्थान का दिया हुआ है, ठीक है। हम गांव जाते समय या सैर करने के लिए जब भी हम जाते हैं, उसी वक्त हम कुछ जगह बस से जाते हैं, कुछ रेलगाड़ी से जाते हैं, कुछ हवाई जहाज से जाते हैं, कुछ नाव जहाज से जाते हैं। अब बस पहला जो चित्र है, इसमें बस स्थानक के बारे में चित्र दिया है। बस स्थानक जो है, यह एक बड़े और खुले मैदान में लगा हुआ है और यहाँ पर अलग अलग प्लेटफार्म भी दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे यात्री चित्रपाट में निरीक्षण करना है। किया पहला जो चित्र बता रहा है उसकी जानकारी भी बता रहे हैं। बस स्थानक के बारे में, बस स्थानक जो है, इसमें यह एक बड़े और खुले मैदान में लगा हुआ है। यह बस स्थानक काफी बड़े और खुले मैदान में है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों को बैठने के लिए देखिए दाहिनी ओर देखना है कि बस स्थानक में बैठने के लिए सुविधा भी है। कुछ यात्री अपनी बस की इंतजार में वहां बैठे हुए हैं। वहां पर कुछ एक शुभेच्छा भी लिखी हुई है, आपकी यात्रा सुखद हो। वैसे ही यहाँ पर स्थानक में प्रवेश करते ही ये हमें शुभेच्छा दिखाई देती है। सामने एक बस खड़ी हुई नजर आ रही है। पास ही में यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्वच्छता घर दिखाई दे रहा है। वहां पर एक नारियल का झाड़ भी, पेड़ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी ओर देखिए बाई ओर, वहां पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है और वहां पर बसें खड़ी हुई है और कुछ यात्री बस में जाने के लिए बस की ओर जा रहे हैं। कुछ यात्री बस से उतरे हुए हैं और यहाँ पर अपने अपने सामान के साथ कुछ बैठे हुए नजर आते हैं। इस प्रकार का यह बस स्थानक का दृश्य, तुम भी सभी बच्चे जाते हैं ना बस से, तभी यही दृश्य दिखाई देता है। तो ऐसी जानकारी हमें इस निरीक्षण से हमें करनी है इस चित्रपाठ की। देखिए वहां पर बसे अलग अलग प्लेटफार्म पर निर्धारित किए गए हुए हैं, जो वहीं पर खड़ी है। और दूसरी ओर मैंने बताया पहले कि पानी पीने की व्यवस्था भी, यात्रियों के लिए सुविधा भी कुछ की गई है। और जो यात्री वहां पर, जो दो बस खड़ी है वहां पर चढ़ रहे हैं और अपना अपना सामान रख रहे हैं बस पर। उसी बस पर देखिए ऊपर की ओर राष्ट्रीय संपत्ति, हमारी संपत्ति, ऐसी सूचना यहाँ पर लिखी है। अर्थात हमने भी इसका इस बस का राष्ट्रीय संपत्ति होने की वजह से किसी तरह तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे। देखिए पास ही दाहिनी ओर नीचे की ओर के लिए एक समाचार पत्र बेचने वाला विक्रेता भी दिखाई देता है और वहां पर वो समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति जो है वहां पर शीतल पेय बेच रहा है अपने पिताजी के साथ। एक छोटा बालक वह पेय खरीदने के लिए कह रहा है। वह से क्या है, धनवान है। ऐसे ही धनवान का जो है वाहन के नाम तुम्हें लिखने हैं। इसी चित्र, इन चारों चित्रों के आधार पर
साधारण 8-10 पंक्तियों में लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताई उसी प्रकार। ये हुई पहला बस के बारे में चित्र की जानकारी। अब हम देखेंगे दूसरा चित्र बताया शेयर करने के लिए हमें कौन-कौन से वाहन का हम इस्तेमाल करते हैं, शेयर करने के लिए कौन से साधनों यानी वाहन का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर चार चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र बस स्टैंड का हमने देख लिया। अब दूसरा जो चित्र है बंदरगाह, बंदरगाह हमने देखिए इस चित्र का निरीक्षण तुम बच्चों करना है। देखिए मैं जैसे जैसे चित्रों के नाम बताऊंगी उसी प्रकार। यह एक बंदरगाह का दृश्य है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है, ये तुम्हें भी मालूम है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय पर देखिए यहाँ पर तीन जहाज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब भी रात के समय दूर से आने वाले जहाज जो होते हैं उन्हें अंधेरे में सही ढंग से देखने के लिए वहाँ पर जहाजों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ भी होता है। और यह प्रकाश स्तंभ जो है वह क्या करता है, जहाजों को यह प्रकाश स्तंभ क्या करता है, राह दिखाने का काम करता है। और यहाँ पर वो प्रकाश स्तंभ देखिए चित्र के वहाँ अपनी पायी ओर देखे जहाँ दूर से आते हुए नजर आता है तो वो प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। यहाँ पर समुद्र में तरह तरह की नावें भी दिखाई देती है, जैसे कि यात्री नावें। अब नावों के अलग अलग प्रकार होते हैं। सर्वसामान्य के लिए यात्री नावों का उपयोग करते हैं। मालवाहक नावें जो होती है उसमें सामान वगैरह दूसरे राज्य से देश में पहुंचाए जाने का काम करते हैं। इन नावों में देखिए यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। कुछ पाल वाली नावें दिखाई देती है, कुछ पतवार से चलाई जाने वाली नावें। इस प्रकार अलग अलग नावें यहाँ पर दिखाई देती है। और नावों तक पहुंचने के लिए पानी में एक पथ बनाया हुआ है। और इस पथ से क्या करते हैं, लोग वहां नावों तक या जहाजों तक पहुंच जाते हैं। और उसी प्रकार कुछ लोग देखिए चित्र में लड़के कुछ खेल रहे हैं वहां नाव में बैठे, कुछ पतवार से एक लड़का नाव चला रहा है, दूसरा लड़का जो है अपने पैरों से नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर अभी पहुंचते हुए नजर आया है। देखिए यात्री उसमें उतर कर बाहर आते हुए नजर आते हैं। और सफेद रंग के जल पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं और वे क्या करते हैं, उनकी नजर पानी में जल जीवों की ओर रहती है और तुरंत वे उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए कुछ सूचनाएं भी नजर आई है। देखिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और उस पथ पर लिखा हुआ है ऊपर सूचना फलक दिखाई दे रहा है। देखिए पानी में कचरा न डाले, और दूसरी सूचनाएं स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हमें भी कहीं सैर करने के लिए जाते हैं कभी भी, उस वक्त क्या करना है, इस स्वच्छता की ओर ध्यान देना है, वहां का मजा लेना है, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है, किसी चीज की नुकसान नहीं करना है और नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमें आनंद मजा लूटने के लिए हमारी ये सुविधाएं होती है। और इस प्रकार ये हुआ दूसरा बंदरगाह, मतलब बस से हम सफर करते हैं। यहाँ पर बस से सफर करते हुए नजर आए, यहाँ पर जहाज नावें इस प्रकार से हम सफर कर रहे हैं। तीसरा जो चित्र दिया हुआ है इस पार्ट में चार अलग अलग सैर करने के बारे में, साधनों के बारे में जानकारी दी है और स्थानों के बारे में।
ये
सरकारी भाग में कितनी है, 8-10 पंक्तियों में देखिए। तो चौथा चित्र हम देख रहे थे स्थान। देखिए बच्चों अपने अपने किताब में प्रवेश करते ही दो काउंटर दिखाई देते हैं। इसमें एक टिकट घर है और दूसरा आरक्षण। आरक्षण यानी क्या? हम टिकट आरक्षित करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रिजर्वेशन कहते हैं। वो वे रिजर्व रिजर्वेशन के टिकट कहते हैं, जिसे हिंदी में आरक्षित टिकट करने की जो सुविधा है वहां पे मिलते हैं। उसका उसे ये काउंटर यहाँ पर दिखाई देते हैं। वहां प्रवेश द्वार दाहिने ओर कोने में ऊपर देखे, प्रवेश द्वार से अंदर आते ही जो काउंटर वहां पर एक व्यक्ति और दूसरे आरक्षण के इसमें एक स्त्री टिकट देने का काम कर रही है। कुछ यात्री आ जा रहे हैं। वहां पर देखिए रेल स्टेशन पर अनेक यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर आते जाते हुए नजर आ रहे। कुछ यात्री गाड़ी में बैठने जा रहे, कुछ रेल स्टेशन से वापस आ रहे हैं। टिकट संग्राहक देखिए वहां पर नीचे की ओर दाहिनी ओर गणवेश में काले कोट पहना हुआ है। वहां पर वो उसे कहते थे टिकट संग्राहक बाहर आने वाले यात्रियों के टिकट की जांच कर रहा है। रेल स्टेशन के अंदर जाने के लिए एक मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हुए हैं। अंदर जाने आने के लिए उसे क्या कहते हैं? मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार। मेटल मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार ऐसा कहा जाता है। सुरक्षा द्वार ऐसा कहा जाता है और इसमें से कुछ यात्री आ जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पर अनेक यात्री हैं। देखिए कुछ अपने सामान के साथ बैठे हुए नजर आते थे, कुछ खड़े हैं। वहां सूचना फलक लगाए अपने सामान का ध्यान रखे। देखिए बाई ओर नीचे एक बच्चा अपने माँ के साथ जा रहा है। देखिए वहां पर कोने में बाई ओर नीचे की ओर अपने सामान का ध्यान रखे ऐसा लिखा हुआ है सूचना फलक। और प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए खड़ी भी है। देखिए बाई ओर वही पर एक स्थानक जहाँ लिखा है ना वहां पर देखिए। और रेल के डिब्बों की स्थिति बताने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। लाउडस्पीकर भी नजर आ रहा है। देखिए चित्रों में निरीक्षण करना है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है और उसी का ही इस्तेमाल करके हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना होता है। रेल पटरी से लांघकर बिल्कुल जाना नहीं है, उससे हमें नुकसान भी होता है और जीवित हानि भी हो सकती है। इसलिए इसका कभी भी प्रयोग नहीं करना है। जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो जो सीढ़ियां बनी होती है उसी गाड़ी से होकर हमें जाना पड़ता है। पटरियों पर लांग पर कभी भी जाना नहीं है। और ये सूचना ध्यान में रखनी है। खाने पीने की चीजों की दुकानें भी है। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता आवश्यक है। एक सफाई कर्मचारी के लिए प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है, साफ सफाई कर रहा है। कुछ यात्री अपने अपने सामान लेकर रेलगाड़ी से जाने के लिए है, कुछ उतर कर अपने अपने घर जा रहे हैं। इस प्रकार आप बच्चों आज हमने इस शहर स्मार्ट में हमने बस जहाज नावे हवाई जहाज रेलगाड़ी से हम सफर कराए हुए। आप तुम्हें ध्यान में रखना है कि जिस प्रकार मेला इस चित्रपाट में हमने जानकारी ले ली और उसकी भी जानकारी लिखनी है और एक वाक्य के स्वयं प्रश्न तैयार करके उसके उत्तर लिखने, ठीक है? उसी प्रकार इस चित्र
पार्ट में जो चार चित्र बनाए हुए हैं, बस का, बंदरगाह का, हवाई अड्डे का, रेल स्टेशन का, तो इन चारों चित्रों का निरीक्षण करके हर एक की 8-10 पंक्तियों में क्या करनी है, जानकारी लिखनी। उसके बाद अलग अलग जानकारी लिखनी है और उसके बाद अपनी मर्जी से प्रश्न तैयार करने, जैसे कि बस पर कौन सी सूचना लिखी है, बस स्थानक पर कौन सी शुभेच्छा दी है, कितनी बसें हैं, कितनी नावें हैं, हवाई उसके बाद जहाज को रात के समय आने के जाने के लिए कौन सी सुविधा होती है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, पर्यटन का अवतार तो क्या है, मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार कहाँ है, इस प्रकार सभी ने क्या करने हैं, एक एक वाक्य में प्रश्न तैयार करने हैं और उसके उत्तर भी लिखने। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।